हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सौरभ और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अपना कलर कलेक्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मेरा टोटल कलर कलेक्शन। सो फर्स्ट जो है वो है फैबर कैसल का 12 वैक्स क्रेयॉन्स। तो आप देख सकते हैं ये कितना छोटा सा बॉक्स है, बट इसमें 12 वैक्स क्रेयॉन्स हैं और इसकी MRP है 10 rupees। और ये भी वही है और इसमें भी 12 वैक्स क्रेयॉन दिए, बट ये 5 rupees का है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये रेफर करूंगा क्योंकि जो स्टार्ट करते हैं उनके लिए ये बहुत बढ़िया रहेगा। सो फ्रेंड्स, इसके जो हमारा फर्स्ट 12 वैक्स क्रेयॉन का जो डब्बा था उसके अंदर कुछ ऐसे देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हैं। तो ये है हमारे फैबर कैसल के 12 वैक्स क्रेयॉन्स। इसको मैं रख देता हूँ साइड में। और ये है एक लोकल कंपनी का, RC करके कुछ कंपनी है। और ये जब मैंने यूज करे थे तो बहुत अच्छे थे ये कलर्स वैसे। और आप देख सकते हैं छोटे बच्चों के लिए तो ये बहुत अच्छे, बहुत पतला भी है तो फिर हाथ में बहुत अच्छे से आ भी जाते हैं। मेरा हाथ थोड़ा सा बड़ा है इसलिए अच्छे से आ नहीं रहा है, उसको मैं रख देता हूँ। वैसे अभी तो मैं इन्हें यूज़ नहीं करता हूँ, मैं इन्हें बचपन में यूज़ करता था। तो फ्रेंड्स, रेयरली कभी कभी मेरे पास जब मैं ड्राइंग करता हूँ या कभी कलरिंग करता हूँ तो कभी कभी मेरे पास वो वाले शेड्स नहीं होते हैं, तो कभी कभी मैं इनमें से भी यूज़ कर लेता हूँ। और हमारा जो नेक्स्ट है वो है 12 कलर पेंसिल्स नटराज कंपनी का। जैसा कि आप देख सकते हैं तो फ्रेंड्स, इसमें आपको मिल जाते हैं 12 ब्रिलियंट फन फिल्ड शेड्स। और इसमें आपको एक छोटा सा शार्पनर भी मिल जाता है। ये कोई ऑर्डिनरी शार्पनर नहीं है, ये पेंसिल कलर्स का ही शार्पनर है। अगर आप किसी और से करेंगे तो वैसा शार्प नहीं हो पाएगा जैसे इन पेंसिल कलर से होता है। तो उसको निकाल चुका हूं मैं। तो ये थोड़ा सा टाइट है। ओके, तो मैंने इसे निकाल चुका हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कितने अच्छे शेड्स हैं, बट इसकी जो शेड्स हैं वो थोड़े से लाइट हैं। डार्क शेड्स के लिए कोई और भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको लाइट शेड पे वर्क करना है तो फिर ये आपके लिए बेस्ट रहेंगे। और यहाँ पे शार्पनर जो मैंने आपके लिए बोला था, देखिए यहाँ पे भी लिखा है कलर पेंसिल शार्पनर, तो इसको भी मैं रख देता हूँ साइड में। और हमारा जो नेक्स्ट आइटम है वो है ऑयल पेस्टल्स कैमल कंपनी का। और इसमें भी आपको टोटल 12 शेड्स मिल जाते हैं। और इसमें आपको एक फ्री स्क्रेपर भी देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक न्यू है पूरा का पूरा। देखिए इसके ऊपर पॉलीथीन है और यहाँ पे आपको 12 शेड्स देखने को मिल जाते हैं। और बीच में एक रेड कलर का स्क्रेपर भी है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस स्क्रेपर की हेल्प से आप दूसरे दूसरे जगह पे आप इससे स्क्रेप कर सकते हैं। अगर आपका कलर कुछ ज़्यादा ही चढ़ गया है तो फिर आप इससे स्क्रेप करके उसे निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट है वाटर कलर किट्स। ये कोई केक नहीं है, ये है नॉर्मल वाटर कलर ही, बट इसका जो शेप है और साइज है वो केक की तरह दिखता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर से ये थोड़ा सा बल्जिंग है। और ये इसका प्राइस तो मुझे यहाँ पे कहीं पे नहीं दिख रहा है। और नेक्स्ट है हमारा वाटर कलर ट्यूब्स कैमल कंपनी से। और इसमें भी आपको 12 शेड्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये भी
कुछ नहीं है, ये भी वाटर कलर ही है, ये भी सेम चीज है, बट ये ट्यूब्स में है और ये थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में रहता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे पैलेट में निकालना पड़ेगा, फिर आपको थोड़ा सा 2 मिलीलीटर पानी इसमें ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके ये डाइल्यूट फॉर्म में आ जाएगा और आप इसे यूज कर पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे रख देता हूँ साइड में। और फ्रेंड्स, ये है क्लासमेट कंपनी का ऑयल पेस्टल्स और इसमें टोटल 27 शेड्स हैं और आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितनी अच्छी ड्राइंग बनी हुई है। ऐसी ड्राइंग तो मैंने भी आज तक कभी नहीं बनाई। तो इसके साथ आपको एक फ्री स्क्रेपर भी मिल जाते हैं, तो मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने अच्छे शेड्स हैं, तो मैं इसको तो अच्छे से दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ पे आपको टोटल 25 कलर्स ही मिलते हैं, बट आपको 2 एक्स्ट्रा मिलते हैं। जो 2 एक्स्ट्रा कलर्स हैं वो है ब्लैक और ग्रे, क्योंकि ग्रे नॉर्मली किसी भी कलर सेट में नहीं मिलता है। और जो ऑयल पेस्टल ये वाला और ये वाला दोनों सेम ही है, बट इनका कंपनी डिफरेंट है। कैमल है इसका कंपनी और इसका है क्लासमेट। वैसे मुझे ये वाले यूज करने अच्छे लगते हैं क्योंकि इसके थोड़े से ज्यादा ब्राइट शेड्स होते हैं, बट ये भी ठीक ही है, इससे थोड़ा सा खाली कम इसका ब्राइट शेड है। और ये है एक कलरिंग पैलेट, तो आपको क्या करना है, वाटर कलर इसमें आप मिक्स कर सकते हो। तो ये बहुत यूजफुल है, जैसा कि मैंने आपको बोला था वाटर कलर ट्यूब्स में तो आपको इसको यूज करना ही पड़ेगा। और नेक्स्ट है ये कैमलिन का हाई क्वालिटी ड्राइंग पेंसिल्स, तो ये आपको मिल जाता है टोटल 50 रुपीज में और इसमें तरह तरह के पेंसिल्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर आपको टोटल 5 पेंसिल्स देखने को मिल जाए। सो फर्स्ट पेंसिल जो है वो एक HB नॉर्मल HB पेंसिल है और ये सबसे लाइटेस्ट पेंसिल होती है। तो फिर ये किधर काम आएगा, जब आप पोर्ट्रेट बनाते हैं तभी जो स्किन टोन होता है कभी कभी वो बहुत ज़्यादा लाइट होता है, तो फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट करने में आपको ये पेंसिल काम आएगी बहुत। और नेक्स्ट है हमारा 2B पेंसिल, तो 2B पेंसिल इससे और थोड़ा सा डार्कर है। और नेक्स्ट है 4B, तो 4B इससे भी डार्कर है और ये सारी ग्रेफाइट की पेंसिल्स हैं। मैं आपको इसके पार्ट 2 में चारकोल पेंसिल्स भी दिखाऊंगा। तो ये ग्रेफाइट पेंसिल्स हैं और ये है 8B पेंसिल। तो जितना आप आगे बढ़ते जाओगे उतना आपको डार्कर पेंसिल्स मिलती रहेंगी। और ये है 6B पेंसिल। और फ्रेंड्स, आज तक मैंने इसे कभी यूज़ भी नहीं किया है। और 10B पेंसिल, ये है इधर की सबसे डार्क पेंसिल, बट ग्राफाइट पेंसिल जो होती है वो चारकोल के इन कंपेरिजन लाइट होती है थोड़ी सी। चारकोल की अगर आप 10B लेंगे तो फिर इससे काफ़ी गुना डार्कर होगी वो। वैसे ये भी बहुत यूजफुल है आपकी ड्राइंग में और देख सकते हैं इसके आगे भी कितना सुंदर ड्राइंग आपको देखने को मिल जाते हैं। मैं अपने रखूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये बाय करना है तो फिर अगर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में चाहिए तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो नेक्स्ट है हमारा लक्सर्ट का 12 कलर पेंस या तो स्केच पेंस भी आप इन्हें कह सकते हैं। बहुत अच्छे क्वालिटी की स्केच पेंस है वैसे तो। जैसे लक्सर के जो स्केच पेंस होते हैं वो ऑलवेज बेटर रहते हैं इन कंपैरिजन टू अदर स्केच पेंस, क्योंकि लक्सर ऑलमोस्ट पेंस और स्केच पेंस ही बनाती है।
और नेक्स्ट है फेविक्राइल कंपनी का एक्राइलिक कलर्स, और इस किट का नाम है, ये तो छोटा सा है, और इस किट का नाम है लाइलाक किट। इसकी बहुत सारी किट आती है और इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं 6 कलर, बट मुझे नहीं पता कि एक कलर कहाँ पे गायब हो गया। सो फर्स्ट आपको देखने को मिलता है येलो, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ब्लैक, उसके बाद आपको देखने को मिलता है ग्रीन, ब्लू ग्रीन है वो, और ये है फाइनली व्हाइट, और इसको भी हम रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वाटर कलर होता है ये बिगिनर्स के लिए होता है, ये बिगिनर्स के लिए वाटर कलर होता है। आपको इसमें एक नॉर्मल वाटर मतलब ब्रश मिलने को दिख जाती है, इसके अंदर है अभी, बट मैं इसे निकाल नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, ये एक बिगिनर का वाटर कलर है जो आप यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आज आपको कमेंट भी करना है, और आज का लाइक एम है 50 लाइक्स, तो जल्दी से कर लेना यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।